नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत और आज हम जा रहे हैं जीमिया गांव में। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बहुत खूबसूरत लग रहा है, धूप आ चुकी है। कमला कमला तैयारी कर रही है रोटी बनाने की। सब्जी बन गई है, आलू की लजीज सब्जी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बस इसके बाद हम टिफिन पैक करके जाएंगे। और दीदी हमारे लिए टिफिन पैक कर रही है, करने की तैयारी कर रही है। घी पत्ती बोलते हैं ना इसका। हाँ, ये घी पत्ती का पौधा है और ये मेडिसिनल प्लांट है बेसिकली। इसकी जो पत्ती है, इसमें घी खाते हैं ना। हाँ, संक्रांत के दिन ना। घी पत्ती तो एक इसका नाम है ही है लोकल, और पठान भेद भी इसको बोला जाता है। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। ये घर के चूल्हे की रोटी है, ये घर की आलू की सब्जी, और इसमें जिम्बू का तड़का लगा है, यानी कि धुंघार भी बोलते हैं ना, धुंघार। हाँ, और ये घर का ही घी है। और ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, जैसे घर के घी का कलर होता है। और ये सब साथ में, अगल बगल में खेत वेत हैं और धूप निकली है, साथ में पहाड़ भी हैं, तो ये ओपन स्काई ब्रेकफास्ट है। हमारा टिफिन पैक हो चुका है दिन के लिए और हम लेके जाएंगे टिफिन, क्योंकि वहां से दिन में खाना खाने के लिए वापस आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दूर है यहाँ से। पानी की बोतल भी तैयार कर ली है हमने। तो हम निकल चुके हैं घर से, अभी तो फिलहाल वही रास्ता है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे साथ है लक्ष्मण फुल बैक पैक के साथ। हाँ नमस्ते। हाँ उधर। हाँ जी। हाँ साथ में उतीस के पेड़ भी। और वैसे उतीस के पेड़ जो हैं वो जमीन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पानी को काफी ज्यादा सोख के जमीन को ढीला कर देते हैं और लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं यही पेड़। और ये आगे से पोलू गांव दिखता हुआ, जानवरों को भगाने के लिए बनाया हुआ। ये तो कोरोना का पीपी किट लग रहा है ना। हाँ हाँ उधर है ये वाला गांव, हमको जाना है इधर, इस गांव से होते हुए नीचे नदी क्रॉस करते हुए इधर। और बीच से फट गया था, कुंड फटा था तो इसमें आपदा आई थी और ये भाग हो गए दो। ये है क्वीरी गांव और ये है जीमिया गांव, दोनों अलग अलग हो गए। और ये देखिए ये गेट बना हुआ है, ये पूरे जो सब्जी होती है ककोड़े इसको बोलते हैं, मीठे करेले, उसका पूरा गेट बना हुआ है और हम गेट के अंदर से जाएंगे। ये हम एंटर कर चुके हैं गेट के अंदर और सीधा आ चुका है घर। और ये देखिए पूरा तिबारी। पूरा ट्रेडिशनल घर है और ये दरवाजे देखिए इसके काफी ज्यादा लंबे हैं। नमस्ते दादाजी। ये देख सकते हैं इधर पे जो पेंट है वो पीले रंग का है, बीच में नीले रंग का है और उधर बिल्कुल हरा है, तो इसको हम बाखली कहते हैं। यानी कि जब दो तीन परिवार एक ही लंबे जुड़े हुए घर में रहते हैं तो इसको बाखली कहा जाता है यहाँ कुमाऊँ में। तो आप ये देख सकते हैं एक परिवार ये, दूसरा ये ब्लू वाले, तीसरा उधर ये ग्रीन वाले, और सबके किचन है इधर की साइड। मुर्गा एक पैर ऊपर करते हुए। इसका पैर नहीं। वो जो आपको दादी दिख रही होंगी ये 102 साल की है ना दादी, 102 साल की हैं।
और अपना काम खुद ही करती है खुद धीरे ही करती धीरे। है अभी। हाँ ये देखिए, दादी नमस्ते। अच्छे हाँ से जाने के लिए। हाँ बाय। ठीक दादी। दादी की देखो गुलाबंद और मूंगे की माला बहुत सुंदर लग रही है। दादी का गुलाबंद और मूंगे की माला। और ये देखो छोटू अपनी दादी के साथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये देखो ये छोटा सा मंगरा, मंगरा मतलब जहां से अगर कुछ भी शुद्ध पानी आता है तो वहां पर लोग कुछ लगा देते हैं, एक नल जैसा बना देते हैं जहां से कंटिन्यू पानी निकलता है, तो ये इसको हम मंगरा बोलते हैं। वैसे नौला भी बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है ना। हाँ और ये देखो हर जगह से लैंडस्लाइड है, दुर्गम रास्ते हैं यहाँ से। अगर आप ये चट्टान देख रहे होंगे ये एक तरह से शेड है रात के लिए, और यहाँ पे बकरी वाले बैठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, आग वाग भी सेकते हैं और अपनी बकरियों को इधर ही चराते हैं इस जगह पे। जो यहाँ पे जैसे घास की चट्टाने या प्लॉट होता है इसको यहाँ पे मांग कहा जाता है, और नीलामी में ये प्लॉट्स बिकते हैं क्योंकि जिनका जैसे पहले से ये प्लॉट्स रहे होंगे तो अगर उनको घास नहीं चाहिए तो वो बेच सकते हैं जिनको घास चाहिए होगा। पर ये देख सकते हैं आप नदी और किस तरह से यहाँ पर आपदा आ रखी है। आधा जंगल इधर से कटा है, आधा जंगल का इलाका इधर से कटा है, आधा इधर से, और ये ऊपर देखिए बीच से तो पूरा ही फटा हुआ है ये। और उधर है ये क्वीरी गांव, तो हमको यहाँ जाना है, और इधर है ये जीमिया गांव, कल इधर जाएंगे। आपको एक चीज पता नहीं होगी, यहाँ पे जो ये जीमिया, यहाँ पे जो ये क्वीरी गांव है यहाँ पर बरपटिया जनजाति रहती हैं, और ये शौकाओं की यानी कि भोटियाओं की ये उप जनजाति है यानी कि सब ट्राइब, तो यहाँ पर पूरी तरह से बरपटिया जनजाति निवास करती हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी देयर। ये देखिए यहाँ से एक झरना भी बह रहा है नीचे, बहुत प्यारा लग रहा है, किस फ्लो में आ रहा है ना बिल्कुल। और यहाँ से नीचे नदी आ रही है, और लोग इतनी दूर अकेले बसे हुए हैं यहाँ पे भी। ओह इसमें मछलियाँ भी है यहाँ पर, पूरी गोभी है ना, बंद गोभी की खेती, सारा खेत गोभी का ही है इधर। तो हमारे साथ एक अंकल जी भी ज्वाइन हुए हैं रास्ते में, कुरी जा रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये इतनी बड़ी नदी है, और ये ऊपर ग्लेशियर है क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे भी बर्फ से ढके रहते हैं, वहां से ये नदी निकलती है, और इसके साथ ये पुल है बीच का, ये बहुत प्यारा पुल है लकड़ी का, लोगों ने खुद ही बनाया है यहाँ पे क्योंकि सरकार कुछ नहीं करेगी तो लोगों को खुद करना पड़ेगा। ये पुल तो था ही था, इसको क्रॉस करते करते एक और पुल भी है यहाँ पे, और लोगों ने ये भी खुद ही बनाया है।
इधर देखिए ये पूरा नॉर्मल पानी और यहाँ से पूरा ये लाल पानी। या तो जंगल में ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनकी जड़ें लाल या ऐसा कुछ होगी इसलिए। हाँ मैं थोड़ा सा ये देखती हूँ। हाँ अच्छा अंदर से ही निकल रहा है ये शायद। यहाँ से शुरू हो गया है जंगल ट्रेल, पूरे जंगल है यहाँ से ऊपर। और अगर मैं आपको जूम व्यू दिखाऊं तो आप अगर ये देख रहे होंगे तो इसमें दो सुइयां बनी है, तो लोग इसको घड़ी बोलते थे पहले के जमाने में, क्योंकि पहले जमाने में जो घड़ी नहीं होती थी, समय देखने का कोई साधन नहीं होता था, तो जब भी इस पे धूप जाती थी आती थी तो लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे, इसलिए इसको यहाँ पर घड़ी भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से, अलग से चमक रहा है ये घड़ी के आकार का। इसमें दो सुइयां हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये क्वीरी का पहला घर शुरू हो गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे खूब खेती की गई है, गोभी गोभी लगाई है यहाँ पे। तो क्वीरी गांव है, यहाँ पे आलू और राजमा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, खेती इसकी काफी होती है। और ये जो आप ये आलू देख रहे हो ये तो छटाई करके रिजेक्टेड आलू है, या अपने खुद के घर के यूज के लिए ना। और सोचिए आप इसके अलावा और कितने आलू होंगे बेचने के लिए। और उधर राजमा भी रखी हुई है ये। हाँ।